लखीसराय जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि तकरीबन दर्जनों नक्सल अटैक गतिविधियों में संलिप्त हार्डकोर नक्सली शंकर यादव को जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। सरमाग लाइव के लिए लखीसराय से विश्वनाथ कुमार गुप्ता के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। विशेष सूचना के आधार पर हमारे हमें खबर लगी थी कि लखियापुर के जंगलों में नक्सलियों की गतिविधि है, तो वहाँ पे चीता मुंगेर एसटीएफ मुंगेर कोबरा 207 और लखीसराय पुलिस बल के साथ टीम बनाई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसी में ये जो है शंकर यादव है, जो एरिया कमांडर है नक्सली में, वो उसको हम लोगों ने लखियापुर के जंगलों से पकड़ा। इसके ऊपर काफ़ी सारे ये जो है अरविंद यादव है, ये जो एक सक्रिय नक्सली है उसका मुख्य सहयोगी भी है, और ये हाल के दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं नक्सलियों की यहाँ मुंगेर और आपका जमुई एरिया में, उसमें ये हमें शामिल रहा है। उनमें मुख्य घटनाएं हैं जैसे कि लासोरवा में पीरी बाजार से भूना यादव, बबलू यादव, विकास कुमार एवं संजय यादव को अपहरण किया गया था, जिसे 3 लाख की फिरौती ली गई थी। फिर खड़गपुर में मुखिया के भतीजे के अपहरण करने में शामिल थे, जिसमें फिरौती में 21 लाख रुपये लिए गए थे। राजेश यादव पुना डीज का जो है कि हत्या में भी ये शामिल था। जानकी डी में ट्रक जलाने में शामिल था। अनंतपुर बरहट में टावर जलाने में ये शामिल था। फिर बांकुड़ा एनकाउंटर जो 2018 के नवंबर में हुआ था, उसमें भी पुलिस टीम की फायरिंग करने में भी शामिल था।